हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। कैसे हैं आप सभी? एक बार वॉइस वीडियो चेक करके बताइए भाई, सारे जने वॉइस वीडियो ठीक ठाक है कि? देखियो एक बार। अरे ठीक ठाक है कि वॉइस वीडियो? देखियो एक बार। प्रणाम भाई, गुड इवनिंग, जय माता दी, रोनी, गीता, समीना रानी, सब ओके है? वॉइस वीडियो बता दो एक बार, ओके है कि? सैम, ऋतु, देसी यूथ, वीके, सभी ने राम राम भाई, सारे ने राम राम भाई। जयवीर रेवाड़ी वाले की तरफ से राम राम, राम राम भाई, ओके है सर, सब कुछ ओके है, तो करते हैं शुरू भाई। ओके है तो कर दें शुरू, कर दें शुरू, कर दें श्री गणेश। तो ले भाई, कर देते हैं अपा शुरू भाई, ठीक है। तो आज जो है 14th क्लास है, 14th क्लास है आज। टोटल जो है 13 क्लास हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, कोई पहली बार इस क्लास को देखता है तो 13 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। टॉपिक बहुत सारे हो चुके हैं। जो अभी टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है आपका सॉफ्टवेयर का। किस चीज़ का टॉपिक चल रहा है? सॉफ्टवेयर का टॉपिक चल रहा है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हम इसके क्वेश्चन ले रहे हैं, इससे पहले इनपुट डिवाइस के क्वेश्चन, मेमोरी के क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस के क्वेश्चन, सीपीयू के क्वेश्चन, कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन, जनरेशन से क्वेश्चन, जनरेशन से पहले वाले क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें जो हैं ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, ठीक है ना जी भाई। करते हैं शुरू, चलो करते हैं श्री गणेश। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर। देखो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, देखियो एक बार इस क्वेश्चन ने पढ़ क्या है। यू को है ए काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एंड रीएलोकेटिंग ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में रीएलोकेटिंग और लोडिंग के लिए कौन जिम्मेवार हो है भाई? रीएलोकेटिंग के लिए और लोडिंग के लिए कौन जिम्मेवार हो है भाई, बताइयो कमेंट करके, बताइयो भाई। डीपी डप्पी तो फिर देख लियो जी। प्रणाम भाई, प्रणाम सभी को। बताएं एक बार क्या होगा। काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करा है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एंड रीएलोकेटिंग, लोड करने के लिए, रीएलोकेट करने के लिए एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को मेन मेमोरी में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। ए कह रहे हैं सारे, बिल्कुल ये पुराना क्वेश्चन दिखा है मैंने, ए इज़ राइट आंसर। ए यू काम करेगा, लोडर जो है लोड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि प्रोग्राम को, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को मेन मेमोरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट अलाउ यूजर टू यूटिलाइज इन स्पेसिफिक एप्लीकेशन क्लासिफाइड एज। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम है दैट अलाउ यूजर टू यूटिलाइज, जो यूज़र को यूटिलाइज करने के लिए, स्पेसिफिक एप्लीकेशन को यूटिलाइज करने के लिए क्लासिफाइड होता है, तो वो कौन सा प्रोग्राम होता है? रिलेटिव प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, रेप्लीकेट प्रोग्राम, लॉजिकल प्रोग्राम, अप्रोप्रिएट प्रोग्राम। यू क्या मतलब होया? देखिए भाई इस क्वेश्चन है रे, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट अलाउ यूजर टू यूटिलाइज स्पेसिफिक एप्लीकेशन, स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए क्लासिफाइड किया जाता है, कौन सा क्या होगा भाई? कमेंट पढ़ने में तो घना फास्ट हूँ मैं रोनी, ठीक है नहीं, कमेंट तो जोर से डिलीट करो, डिलीट करें बच्चे ही पढ़ जूँ दो चार, तो मैं तो रहे बताओ। बी इज़ राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर भाई, बी इज राइट आंसर, एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा, क्या होगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। डैश इज ए सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू डू पार्टिकुलर टास्क, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो स्पेशल काम करने के लिए यूज़ किया जाता है? ऐसा सॉफ्टवेयर कौन सा है, सॉरी प्रोग्राम कौन सा है जो स्पेशल काम करने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम, डेटा सोर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डेटा। टू डू पर्टिकुलर टास्क, कोई पर्टिकुलर काम करना है, लेकिन न्यू तो बताया को नहीं पर्टिकुलर काम के करना है, ठीक है नहीं, तो वो उसका अड़ वह काम हो, को बारी काम ना हो, को बारी काम ना हो, अड़वे काम पाओगे भाई, तो अड़वा काम पाओगे तो किसकी बात आएगी, क्योंकि बारी काम होता हार्डवेयर का पर्टिकुलर टास्क, तो हार्डवेयर का भी उसका भाई के उसका है पर्टिकुलर टास्क, तो हार्डवेयर का भी उसका संभालने का, लेकिन ये अड़वे काम पाओगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर राइट आंसर के है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर अकेला पूछा जावे तो अकेला अकेला बंदा जो है अड़वे होगा, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही उत्तर है।
राइट आंसर 5, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं भाई। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्पेशल पर्पस के लिए एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कैलकुलेशन करनी हो, प्रोसेसिंग करनी हो एग्जामिनेशन रिजल्ट की एटसेट्रा, वो क्या कहलाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाता है, कैसा कहलाता है भाई बताएं? तो कैसा सॉफ्टवेयर कहलाएगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो कहलाएगा नहीं, क्योंकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, और यहाँ हमने एप्लीकेशन बनानी है तो क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, ये उसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज राइट आंसर भाई। राइट आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। क्लियर है बात? था नेक्स्ट आ जाओ भाई। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? डैश इज़ यूज टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है, या डिज़ाइन करता है, प्रोग्रामर की हेल्प करता है, या परफॉर्म करता है कुछ स्पेशल टास्क कंप्यूटर यूज़र के लिए, इज़ यूज फॉर मेकिंग डिज़ाइन ओनली, या फिर डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ किया जाता है भाई? देखो किस लिए यूज़ किया जाता है? प्रोग्रामर की मदद करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है ना, कौन यूज़ करे ना प्रोग्रामर की मदद खातर, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो है कंप्यूटर जो है स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म किया जाता है भाई। स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करा जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करा जाएगा। कौन सा यूज़ करा जाएगा भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो, इसने थोड़ा है, मैं चार्जिंग लगा दूँ फ़ोन, नहीं इतने फ़ोन चार्जिंग लगा दूँ। अगला क्वेश्चन देखो एक बार। बताओ भाई के उत्तर आवागा इसका रहे, बताओ। बताओ भाई, बताओ भाई क्या आंसर आएगा? बताओ भाई। द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट टैक्स बेस्ड डॉक्यूमेंट, टैक्स बेस्ड डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा यूज़ किया जाता है टैक्स बेस्ड डॉक्यूमेंट के लिए? DBMS तो होता नहीं, स्प्रेडशीट नहीं होता, प्रेजेंटेशन नहीं होता, शूट नहीं होता, वर्ड प्रोसेसर हुआ है। टैक्स बेस्ड के लिए कौन हुआ है? वर्ड प्रोसेसर हुआ है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर अलाउ यू टू डू मैथमेटिकल फिनंशियल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन फिनंशियल कैलकुलेशन के लिए कौन सा यूज़ हो भाई? मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी हो चाहे फिनंशियल कैलकुलेशन करनी हो, कौन सा यूज़ करेंगे? वर्ड प्रोसेसिंग यूज़ करेंगे ना, स्प्रेडशीट यूज़ करेंगे, ओ उसका है। प्रेजेंटेशन कौन यूज़ करते हैं? डेटाबेस कौन यूज़ करते हैं? बच गया एक के, स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे भाई? स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज़ यूज, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किस लिए प्रयोग करा जाओ भाई? स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर है ना अपना, वो यूज़ किस वास्ते करा जाओ? टू कीप सिंपल कंपनी अकाउंट, कैलकुलेट एम्प्लॉय कमीशन पेमेंट एज सिंपल स्टॉक कंट्रोल, बिल्कुल सभी, ऑल ऑफ दिस, ये सारे के सारे काम जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है अपना कर सका, सारे काम कर सका भाई स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, सारे काम, ठीक है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन टू शो टू कस्टमर और स्टाफ मेंबर, बताइए भाई के एक भाई, देखियो के एक भाई है। Which software is used to create presentation to show to customer staff member? ले भाई आसान क्वेश्चन है, इसका आसान क्वेश्चन क्या होगा? अरे इसका आसान क्वेश्चन क्या होगा? जम आसान क्वेश्चन है, सहला प्रश्न है भाई, सहला प्रश्न है। देखियो क्या होगा, क्या कहा है? नहीं 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 ओल नहीं, इसका सी करें हैं, प्रेजेंटेशन, बिल्कुल राइट आंसर है शिवानी, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। प्रेजेंटेशन के लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर प्रयोग करेंगे, और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर थी अपा के कैस कहाँ, इम्प्रेस भी कहाँ, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर थी अपा इम्प्रेस, ठीक है ना, की नोट भी कहाँ अपा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर थी के कहाँ, की नोट भी कहाँ, और इम्प्रेस भी कहाँ भाई, ठीक है ना, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी कहाँ उसने अपा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू, डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है किस लिए यूज़ किया जाता है? डिस्कार्ड सेल रिकॉर्ड, स्टोर कंटेक्ट लिस्ट, कीप कस्टमर रिकॉर्ड, और जनरेट रिपोर्ट। डेटाबेस का सॉफ्टवेयर जो है किस लिए प्रयोग किया जावा है? स्टोर कंटेक्ट लिस्ट, कीप कस्टमर रिकॉर्ड। वैसे तो देखा जाए तो डेटाबेस ये सारे काम करा हुआ जो से लिख रखे हैं, लेकिन इसमें ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है। डेटाबेस ये सारे काम कर ले हैं जो से इसमें लिख रखे हैं, ठीक है नहीं,
डेटाबेस क्या हुआ है, क्या हो रहा है डेटाबेस है? डेटाबेस हुआ है सबसे छोटी इकाई क्या हुआ है अपनी बिट हुआ है, बिट के बाद क्या हुआ है अपनी बाइट हुआ है, बाइट के बाद क्या हुआ अपना फील्ड हुआ है, क्या हुआ है भाई फील्ड हुआ है, फील्ड के बाद क्या हुआ अपना रिकॉर्ड हुआ है, क्या हुआ है रिकॉर्ड हुआ है भाई रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड के बाद क्या हुआ अपनी फाइल हुआ भाई, रिकॉर्ड के बाद क्या हुआ फाइल, के बाद क्या हुआ डेटाबेस हुआ, फाइल के बाद क्या हो रहा है डेटा बेस हुआ भाई। तो डेटा बेस क्या हो गया कलेक्शन ऑफ फाइल, फाइल क्या हुआ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या हुआ कलेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड क्या हुआ कलेक्शन ऑफ बाइट, बाइट क्या हुआ कलेक्शन ऑफ बिट, और बाइट ने कई बार यहाँ पे करेक्टर भी लिख दिया जावा, क्या लिख दिया जा रहा है करेक्टर भी लिख दिया जावा है, बाइट ने करेक्टर भी लिख कहाँ पा और बाइट भी लिख कहाँ, बात समझ में आई कौन समझ में आई? हाँ इस इन में दा ऑप्शन रहेगा फिर कीप कस्टमर रिकॉर्ड, कीप कस्टमर रिकॉर्ड, वैसे कंटेक्ट लिस्ट भी डेटाबेस में हो, बाकी कस्टमर लिस्ट वाला ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, यानी कि ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन DTP का क्या मतलब है, नहीं वो पूछा है, बस इतना लंबा सांग पढ़ने की जरूरत को नहीं, DTP का मतलब पूछा है, DTP स्टैंड्स फॉर, ठीक है ना, ये DTP बताया दिया, बाकी इसने DTP ग्राफिक डिजाइनर के लिए यूज़ करा है इसने, DTP ने नॉन डिजाइनर टू क्रिएट विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन के लिए प्रोफेशनल विजुअल कम्युनिकेशन को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है DTP। तो DTP का मतलब क्या हुआ है भाई, DTP का मतलब जी, गुड इवनिंग भाई मनजीत जांगड़ा, IC उकलाना, IC की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो देखो भाई क्या होगा इसका DTP का मतलब क्या होगा, सारे ए लग रहे हैं करण है ना, सो जाता रहा देखियो, हाँ ये बढ़िया बात, देखो ए नहीं रहा, ए नहीं मेरे यार, न्यू माटी ने कुटे करो तमें, ए कमाए हैं सारे, ना 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 ना, अरे ना थमजो 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 थमजो, डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज राइट आंसर, याद रखियो इस बात ने, ठीक है नहीं, याद रखियो इस बात ने भाई, भूलोगे तो मैं ये बताया तुम्हें पहला है लिया, 6 बार है लिया पहला, फिर भूलोगे तो मैं इसी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोरल वेंचरा इलुस्ट्रेटर आर एग्जाम्पल ऑफ, कोरल वेंचरा और इलुस्ट्रेटर जो है ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। अरे लाइक लुइक वाला मामला संभाल लियो, आज मैंने कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता का मतलब है मैंने न्यू कौन दिखता, तो मैंने लाइक लुइक साहब बटन दायब रखे कि ना दायब रखे है, वो मामला तो तरफ छोड़ रखे मैंने, संभाल दे रही हो देख दे रही हो, ठीक है नहीं, आज मेरा ध्यान हो रहा है इस पर क्या नाम है कस्टमर पर नहीं सॉरी इस पर रहे स्लाइड पर मेरे यार, ठीक है नहीं, बताओ भाई। तो कोरल जो है कोरल वेंचर और इलुस्ट्रेटर और कोरल वेंचर जो है दोनों के दोनों अडोब के हैं भाई, अडोब ये तो अडोब का है कोरल का है, ठीक है ना, तो क्या हैं ये DTP हैं भाई, ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं, क्या हैं ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर कट गए हो, एग्जाम्पल ऑफ DTP हैं, ठीक है ना, DTP ग्राफिक भी हैं लेकिन ग्राफिक सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं DTP में, किस चीज़ के DTP के एग्जाम्पल है भाई, DTP स्प्रेडशीट नहीं है ये, मल्टीमीडिया नहीं है, वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है, ग्राफिक है DTP, वैसे DTP के एग्जाम्पल है भाई, किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं DTP के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो भाई, अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट एक्स के है, डायरेक्ट एक्स कंप्यूटर का पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूजर इंटरफेस है, सॉफ्टवेयर है जो ड्राइव करता है ग्राफिक सॉफ्टवेयर को, क्या है जी, मैंने क्लास का मॉनिटर बना दिया जी, चलता हूँ मॉनिटर के छोड़ LCD बना दिया, चलता हूँ LCD LED जितनी भी डिस्प्ले डिवाइस हो नहीं सारा तो ही बना दिया चल, ठीक है नहीं, गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग, तो संभाल दे रहा हूँ भाई, डायरेक्ट एक्स के है भाई ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर दैट डिराइव्स ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्स जो है के है ग्राफिक सॉफ्टवेयर है भाई, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, देखियो रे बताइए भाई बताओ भाई ग्राफिक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल, बार कोड बना क्लास यादव कहने का मैंने बार कोड बना दिया जी, क्या बात है क्या बात है,
इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। हेलो भाई, हेलो हेलो हेलो। डीबगर है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, नोट एन एग्जांपल। नोट को नोट करना बड़ा ज़रूरी हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही है, डीबगर भी है, सॉफ्टवेयर ड्राइवर भी। अडोब फोटोशॉप को नहीं रहे, फोटोशॉप जिसमें तेरी फोटो तैयार हुआ ब्याह भी होगी। अरे अडोब फोटोशॉप वो है जिसमें ब्याह की फोटो तैयार हुआ, एल्बम तैयार नहीं हुआ ब्याह वाली। ब्याह ये नहीं होगा कहीं का, कई बेरा कहीं दी क्यों कर तैयार होगा एल्बम। पट जा बेरा था ना, जो तेरी तैयार होगी नहीं, जो पट जा बेरा 1.5 लाख में तैयार होगी। विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर स्पेशल पर्पज़, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो स्पेशल पर्पज़ था तैयार हुआ है, बताओ भाई कौन सा एप्लीकेशन है जो स्पेशल पर्पज़ से तैयार हुआ है भाई, बताइयो। जनरल पर्पज़, स्पेशल पर्पज़, इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यू के मतलब होया। कई बार तो इसे क्वेश्चन देते हैं बे, तू कैसे बताओ इसका क्या मतलब है, चलो फिर भी बताओ इसका आंसर करो, फिर भी बताओ भाई, बताओ 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 बताओ। स्पेशल पर्पज़ सॉफ्टवेयर बिल्कुल राइट आंसर है, स्पेशल पर्पज़ सॉफ्टवेयर इज़ राइट आंसर भाई। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताना था अपने, स्पेशल पर्पज़ वाला तो स्पेशल पर्पज़ है भाई, है तो बेतुका सा क्वेश्चन बाकी फिर भी ठीक है ना। इनका होगा जी क्रेटा मांगेंगे, आए तो ब्रेन के मांगेंगे, क्रेटा नहीं है तो मांगेंगे, क्रेडिट वाले तो जैली है। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज इन ऑर्गेनाइजेशन टू कीप ट्रैक ऑफ प्रोडक्ट इन स्टॉक, ऑर्गेनाइजेशन में प्रयोग हुआ है कीप ट्रैक ऑफ प्रोडक्ट इन स्टॉक, प्रोडक्ट स्टॉक में प्रोडक्ट जो है उसकी संभाल करना है, तरसार संभाल करनी है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। एंटरप्राइज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, पेरोल सॉफ्टवेयर, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ले वो बढ़िया वाला क्वेश्चन है, बढ़िया वाला क्वेश्चन है, बढ़िया वाला के उत्तर होगा भाई। बताओ भाई बी क्यों, ऑप्शन सारे पढ़ लो एक बार ध्यान दें, कई बार लास्ट तक आंदे आंदे तेरा मन बदल जाए। बदला कर तेरा मन ही, ना बदल नहीं रहा, कई बात है, कई बात हुई। अच्छा से सीधा कुछ तो सीख लियो, कम से कम बदलने नहीं सीख लियो। अरे इन्वेंट्री होएगा रहा, जो स्टॉक मैनेजमेंट का सिस्टम होएगा रहा, नहीं स्टॉक स्टॉक का सिस्टम होएगा रहा, वो इन्वेंट्री में होएगा रहा, इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर तो होएगा रहा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होगा। हाँ ई इज राइट आंसर है, क्या दिमाग ठिकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ऐड फंक्शनैलिटी टू योर कंप्यूटर और हेल्प योर कंप्यूटर परफॉर्म बेटर इज कॉल्ड, बताओ एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में कार्य क्षमता को जोड़ता है या आपके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। HSSCO क्वेश्चन है 2021 का, कोई बात नहीं, नहीं पता तो भाई कोई बात नहीं भाई, कोई नहीं, कड़ियाँ का स्टूडेंट हो जाए कोई दिक्कत को नहीं, अपना क्या दिक्कत है, स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है, चाहे हिंदुस्तान का हो चाहे पाकिस्तान का हो, स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता भाई। तो क्या होगा ये, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा, बिल्कुल सही बात है, यूटिलिटी प्रोग्राम होगा। क्या राइट आंसर होगा, यूटिलिटी प्रोग्राम होगा राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है यूटिलिटी प्रोग्राम भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, अगला क्वेश्चन आई रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू स्टोर ए लार्ज नंबर ऑफ फाइल, लार्ज नंबर ऑफ फाइल स्टोर करने खातर स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस चाहिए है, तो आप के करेंगे, फाइल तो है बड़ी, स्टोरेज स्पेस अपना पास है ही नहीं, तो फिर आप के करेंगे भाई। फाइल तो ले रहे हैं आप 10 MB की, 10 MB तो छोटे बोल दिया मैंने, फाइल तो ले रहे हैं 2 GB की, स्पेस है अपना पास जमे कम 10 MB ले लो।
बताओ भाई क्या यूज़ करेंगे? बिल्कुल सही बात है, क्या यूज़ करेंगे? कंप्रेशन भाई, क्या यूज़ करेंगे? फाइल कंप्रेशन, क्या यूज़ करेंगे रे? फाइल कंप्रेशन यूज़ करेंगे। विन रार इसका एग्जांपल है, कि इसका क्या एग्जांपल है? विन रार इसका एग्जांपल है, विन रार, विन जिप भी इसका एग्जांपल है रे, विन जिप भी इसका एग्जांपल है, ठीक है? नहीं, नेक्स्ट है जो अगला प्रश्न पे जो, वट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएट्स ए स्मॉलर फाइल दैट इज फास्टर टू ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो फाइल थी छोटी कर दे रही, इंटरनेट पर ट्रांसफर कर दे अपन है आसान नहीं रहा है, ऐसा सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऐसा सॉफ्टवेयर बताना कौन सा भाई, बताओ कौन सा है भाई। फाइल का नाम तो कम से कम, ओ सॉरी, आईडी का नाम तो कम से कम ढंग कदर लो। एक जन ना आईडिया का नाम इसे दे रखे हैं, जो कहूँगा फिर नु कहगा मन ने मास्टर जी उल्टा बोला है। बताओ भाई, ऐ दोगी यार, बताओ सॉफ्टवेयर क्रिएट स्मॉलर फाइल कंप्रेशन, कौन सा कंप्रेशन? कंप्रेशन बिल्कुल राइट आंसर है भाई, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। इज ए विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम, इनमें से कौन सा विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है के करेगा दैट लोकेट एंड एलिमिनेट अननेसेसरी फ्रेगमेंट, अननेसेसरी फ्रेगमेंट को इलेमिनेट करेगा एंड रीअरेंज फाइल एंड अनयूज्ड टू डिस्क स्पेस ऑप्टिमाइज ऑपरेटर्स ऑपरेशंस, की करेगा भाई? समझ में नहीं आया मेरे, भी पर्सन बैठ के देख लियो। इज ए विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेट एंड इलेमिनेट अननेसेसरी फ्रेगमेंट एंड रीअरेंज फाइल्स एंड अनयूज्ड टू डिस्क स्पेस टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशन। बताओ भाई क्या करा भाई, बताओ। डिस्क डी फ्रेगमेंटर बिल्कुल राइट आंसर है, फ्रेगमेंट ने इलिमिनेट करेगा, जो फ्रेगमेंट करके हैं फाइल के टुकड़े टुकड़े करके हैं उन ती ईबीयू के कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा भाई सारे दी। डिस्क डी फ्रेगमेंटर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। व्हेन फाइल्स आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल पार्ट्स, जब फाइल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, ऑन ए डिस्क दे आर सेड टू बी, उनको क्या कहा जाता है? फ्रेगमेंट, कंटिन्यूस सेक्टर्ड या डिसबर्स्ड, क्या कहा जाएगा भाई? सर जी नमस्कार, लाइव सेशन में आपका फिर से स्वागत है सर। द कंप्यूटर डायरी, डॉक्टर कुलदीप सर, आपको राम राम, जय हिंद, नमस्ते सर। डिस्क, इसको क्या बोला जाएगा? इसको फ्रेगमेंटर बोला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। इसको क्या बोला जाएगा? फ्रेगमेंटेड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भाई? फ्रेगमेंटेड इसको बोला जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। इट कैन मेक कॉपी ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द डिस्क, इधर रिस्टोर ऑन एंटायर डिस्क। कह रहा है कि इट कैन मेक कॉपी ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन की कॉपी बना देगा। कॉपी बनानी है बस, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, कॉपी बनानी है बस, इसे तो समझो कॉपी बनानी है अपने। रिस्टोर करांगे, डिस्क क्लीन करांगे, बैकअप करांगे या डीफ्रेगमेंट करांगे, क्या करांगे अपन जे अपना कॉपी बनानी हो, क्या करेंगे भाई? सर जी विनरार विन जिप, और विनरार विन जिप क्या हुआ जी? विनरार विन जिप वो है कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, जो फाइल को क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं भाई, ठीक है ना? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। ये अपने डॉक्टर कुलदीप हैं भाई, डॉक्टर कुलदीप चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो रीस्टोर यूटिलिटी, रीस्टोर सॉरी खड़ा कह रहा, बैकअप सॉफ्टवेयर कौन से हुआ भाई? बैकअप सॉफ्टवेयर हुआ है, क्या हुआ है? बैकअप सॉफ्टवेयर हुआ है भाई, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। व्हाट इज बैकअप, ई बी ने पूछा है बैकअप क्या हुआ है, करिए बात। न्यू का बैकअप क्या हुआ है? कनेक्ट हिज नेटवर्क टू मोर कंपोनेंट अदर डेस्टिनेशन, कह रहा है कि नेटवर्क ने एक कंपोनेंट तो दूसरे कंपोनेंटों तक फैला हुआ है, कॉपी करा है, फिल्टर करा है, एक्सेस करा है डेटा का, नेट टेप तय कड है डेटा ने, या नन ऑफ दिस, क्या करा है बताओ भाई? हम्म,
ए क्यों? ये सैन थोड़े है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क थोड़े है। बिल्कुल सही उत्तर है, बी इज राइट आंसर भाई, बी इज राइट आंसर, बी सही उत्तर है भाई, दो। बिल्कुल रजली द, राम 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 भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, अगला क्वेश्चन है, डैश बैकअप कंटेन्स ए कॉपी ऑफ एवरी प्रोग्राम, हर प्रोग्राम की बैकअप में कॉपी हुआ है, डेटा एंड सिस्टम फाइल होना कंप्यूटर, किस में हुआ है? रिस्टोरेशन में हुआ है, बूटस्ट्रैप में हुआ है, डिफरेंशियल में हुआ है, फुल बैकअप में हुआ है, किस में हुआ है? कॉपी ऑफ एवरी प्रोग्राम, हर प्रोग्राम की कॉपी हुआ, किस में हुआ है भाई? देखो बैकअप तीन प्रकार का कमा है, चार प्रकार का भी कहते हैं बैकअप थी, फुल बैकअप, कौन सा भाई? फुल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, फुल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, मिरर बैकअप, यू है कई प्रकार का बैकअप हो, कई प्रकार का भाई, ठीक है? नहीं, लेकिन यू को है एवरी प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम में ही कॉपी करेगा, फुल बैकअप, कौन करेगा? फुल बैकअप करेगा। डिफरेंशियल और इंक्रीमेंट में वही चीज़ें होंगी जो अपने एडिट करी हैं, बाद में चेंज करे है, जो बाद में अपने चेंज करे है, इसमें तो एडिट करने वाला होगा, और इसमें जो बाद में ऐड करी है चीज़ वो होगा, और मिरर बैकअप में होगा सेम कॉपी, मिरर बैकअप में क्या होगा? सेम कॉपी, यानी कि उसे फाइल की सेम कॉपी, कई कॉपी बन जाना, ठीक है ना? तो इसका के राइट आंसर आएगा फुल बैकअप आएगा, के राइट आंसर आएगा फुल बैकअप, राइट आंसर आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, डिस्क क्लीनर हेल्प करता है किस चीज़ को, क्या करने में हेल्प करता है? डिस्क क्लीनर किस चीज़ को क्या करने में हेल्प करता है? ये लिख लियो रे, ये नई चीज़ लिखवाई है मैंने, अरे ये नई चीज़ लिखवाई है, फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, और क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल बैकअप और मिरर बैकअप, ठीक है? नहीं क्लियर है ना बात? चलो, डिस्क क्लीनर हेल्प करता है क्या चीज़ फ्री करने में हेल्प करता है? डेटा रिसाइकल बिन, या क्या चीज़ फ्री करने में हेल्प करता है भाई? स्पेस फ्री करने में हेल्प करता है, क्या चीज़? स्पेस फ्री करने में हेल्प करता है। सचिन नमस्ते भाई, बिल्कुल राइट आंसर है, स्पेस फ्री करने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन ले लो, अगला क्वेश्चन कहता है, दे कैन फाइंड फाइल दैट आर अननेसेसरी, जो गैर ज़रूरत की फाइल है, टू कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर ऑपरेशन में से, एंड टेक अप कंसोलिडेट अमाउंट ऑफ स्पेस, कह रहा कि गैर ज़रूरत की फाइलों को फाइंड करता है और उनको ले लेता है स्पेस को ठीक करने खतर भाई, फरीकरण खतर कर लीजिए, एंटीवायरस हुआ है, स्वीप हुआ है, डिस्क क्लीनर हुआ है, या डिस्क फॉर्मेटिंग हुआ है। राम राम भाई, सुधीर सुहाग, बताओ भाई, सारे में एक उत्तर कहना देवास, तो मैं पागल तो नहीं हो रहे? पहले मैं ये उत्तर देना लग रही हूँ, आवाज पी कह रहे हो गए चा चा पी कह रहे हो आज, डिस्क क्लीनर, बिल्कुल राइट आंसर, डिस्क क्लीनर इज राइट आंसर, डिस्क क्लीनर बिल्कुल राइट आंसर है भाई, डिस्क क्लीनर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, अगला क्वेश्चन ले लो, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो यूटिलिटी इरेज अननीडेड फाइल, अननीडेड फाइल को इरेज कर दे है, ऐसी विंडो यूटिलिटी कौन सी है? ऐसी विंडो यूटिलिटी कौन सी है? बिल्कुल, डिस्क क्लीनअप है, फ्रैगमेंटर है, एंटीवायरस है, बैकअप है, कौन सी है? देखो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त जबरदस्त है आज, क्वेश्चन बहुत बढ़िया वाले हैं आज, गलती से ये लग गया, कोई बात नहीं राहुल भाई, कोई बात नहीं, इट्स ओके, वो तो मजाक कर लियो मैं भी, मेरी बातों का बुरा ना मानना करो तो मैं, ठीक है ना? डिस्क क्लीनअप कौन है? डिस्क क्लीनअप है भाई, बिल्कुल राइट आंसर है, डिस्क क्लीनअप राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, टेक्स्ट एडिटर के है, देखियो रे टेक्स्ट एडिटर के है भाई,
यू टेक्स्ट एडिटर वनी जो सा टेक्स्ट एडिटर, चाहे वो नोटपैड हो चाहे कुछ भी हो, वो क्यों है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हुआ है, ऑल पर्पज सॉफ्टवेयर हुआ है, क्यों है? क्यों भाई? टेक्स्ट एडिटर हुआ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या हुआ है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हुआ भाई, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टेक्स्ट एडिटर नहीं है क्या? एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है क्या? डिसकंप्रेशन नहीं है क्या? रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है क्या? बताओ। हाँ जी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन चल रहे हैं। इससे पहले सारे टॉपिक, जिस जो इससे पहले टॉपिक आते हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो जनरेशन हो, चाहे वो कंप्यूटर के टाइप हो, वो सारे हो चुके। वो सारे हो चुके हैं भाई, ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल नहीं है, उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटिलिटी प्रोग्राम में इंक्लूड होता है क्या? वायरस स्कैनिंग, बैकअप, डिस्क डीफ्रेगमेंटर, यूबीओ है, यूबीओ है, बस फिर दो हैं तो ऑल ऑफ दीज। वायरस स्कैनिंग कर्स का है, विंडो फायरवॉल। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? बताओ भाई, इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? यूटिलिटी का पूछा है कौन सा एग्जाम्पल हुआ है, तो यूटिलिटी के तो सारे हैं, टेक्स्ट एडिटर भी है, बैकअप भी है, कंप्रेसर भी है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर भी है, ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर भाई, सही है, ऑल ऑफ दिस बिल्कुल राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। इससे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है? पूछा नहीं है, नहीं है पूछा, नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है भाई, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। डिस्क इनक्रिप्शन इज टेक्नोलॉजी वेयर डेटा इज इनक्रिप्टेड बिफोर स्टोरेज, स्टोर होने से पहले डेटा जो है इनक्रिप्ट हो जाएगा, ऐसी कौन सी डिस्क इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है? हाफ है, होल है, डबल है, ट्रिपल है, कौन सी ऐसी इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से डेटा स्टोर होने से पहले ही इनक्रिप्ट हो जाएगा? इनक्रिप्ट का मतलब होता है छुपे हुए कोड में चले जाना, इनक्रिप्ट हो जाना मतलब जैसे हम गिफ्ट देते हैं किसी को, गिफ्ट को पैक करवाते हैं हम ऊपर से, इनक्रिप्ट होता है वो, क्या होता है इनक्रिप्ट, पता नहीं होता उस पैकेट के अंदर है क्या, ठीक है ना? हम उसको क्या करवाते हैं, इनक्रिप्ट, और जब सामने वाले को देते हैं गिफ्ट तो फिर वो उसको डिक्रिप्ट करता है, उसकी परत दर परत खोलता है, देखता है उसमें कुछ नहीं पाता फिर, ठीक है ना? कंजूस आदमी ने फंस गया। चलो देखो फिर क्या होया होल डिस्क इनक्रिप्शन, क्या होया होल डिस्क इनक्रिप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। मींस दैट देयर सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल, इसका मतलब ये होता है कि सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है तो क्या होता है, बताएं भाई। हाफ डबल पर चल रहे हैं हम लोग, बताओ भाई। बताओ। हाँ व्हाट्सएप इनक्रिप्ट करता है मैसेज को, बिल्कुल राइट आंसर है। फर्मवेयर तो बिल्कुल भी नहीं होगा,
फर्मवेयर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, फ्री वेयर इज़ राइट आंसर। क्या राइट आंसर रहेगा? फ्री वेयर जो होता है उसका, ये दो हो गए भाई, ये तो मीन्स दैट देयर सोर्स कोड इज़ नॉट अवेलेबल। हाँ 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 ठीक है बात, फ्री वेयर इज़ राइट आंसर। फ्री वेयर क्या होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बंडल होकर आता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बंडल होकर आता है वो राइट आंसर है। साथ बंडल होकर आता है, बंडल होकर आता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, वो क्या होता है आपका? ओपन सोर्स नहीं होता, यानी कि जो ओपन सोर्स होता है उसका अवेलेबल होता है, उसका कोड जो है अवेलेबल होता है, ओपन सोर्स जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी कैड का मतलब क्या है? कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में कैड का क्या मतलब होता है भाई, बताओ भाई कैड का क्या मतलब होता है कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में? कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन है, सॉरी अप्लाइड डिज़ाइन है, कंप्यूटर एल्गोरिदम एंड डिज़ाइन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन डिज़ाइन है, कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन है, या इनके अलावा है? तो कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन जो है राइट आंसर है। क्या राइट आंसर रहने वाला है? कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन इज राइट आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द इंटरनल ऑपरेशन, जो कंट्रोल कराएं इंटरनल ऑपरेशन को कंप्यूटर में, और कंट्रोल कराएं हाउ द कंप्यूटर वर्क्स, किस प्रकार से कंप्यूटर काम करता है, तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो एक के सॉफ्टवेयर है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ऐसा काम करता है, बिल्कुल राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, डैश कंट्रोल्स द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस एंड प्रोवाइड मीन बाय विच यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। कंट्रोल द वे इन विच कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस, जिस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन करता है उसको कंट्रोल करता है, और एक तरीका प्रोवाइड करता है जिसमें यूज़र जो है इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम, मदरबोर्ड, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, तो इनमें से कोई किसी में भी ऐसी ताकत नहीं है जो इसका काम कर सके, तो इसका काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा भाई। कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो यूनिक्स हो, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो डोज हो, कोई भी हो। बात समझ में आई? कौन समझ में आई? मदर क्यों हुआ है? मदरबोर्ड थोड़े होगा ना मेरे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स हाउ योर कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, मतलब जो कंट्रोल करता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम कैसे रन होगा, तो कौन है? ऑपरेटिंग है, कंप्यूटर है, ऑफिस है, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, तो कंपाइलर इंटरप्रेटर का तो काम है को नहीं हो, ऑफिस कोई सॉफ्टवेयर को नहीं होता, कंप्यूटर कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, बच गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम, बच गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो भाई, इन इट इज़ द प्रोग्राम दैट मैनेज द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग द CPU, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। इट इज़ द प्रोग्राम, ये वो प्रोग्राम है जो मैनेज करता है हार्डवेयर को कंप्यूटर सिस्टम के, इंक्लूडिंग द CPU, जो CPU भी इंक्लूड है, मेमोरी स्टोरेज भी डिवाइस भी इंक्लूड है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस भी इंक्लूड है। कौन है? इट इज़ द प्रोग्राम, देखो दो उत्तर हैं इसमें। इट इज़ द प्रोग्राम दैट मैनेज द हार्डवेयर, जो हार्डवेयर को मैनेज करता है ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें CPU इंक्लूड है, मेमोरी इंक्लूड है, इनपुट आउटपुट डिवाइस इंक्लूड है, तो बस सिस्टम, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम है के है? ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई। कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज राइट आंसर भाई। कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करेगा भाई। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रीजन टू यूज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने का सही कारण कौन सा है? बता दो भाई, सही कारण बताओ एक बार, कौन सा है बताओ, कमेंट करके बताओ सही कारण कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम ने यूज़ करने का, सही कारण कौन सा है? क्या था यूज़ करा आप ऑपरेटिंग सिस्टम दी, बताओ। ऑपरेटिंग सिस्टम ने यूज क्या था करेंगे आप, के कारण है? सारे कारण है, अरे सारे कारण है, कमाल हो गया भाई, इनका सारे कारण है।
रिसोर्स मैनेज करने खातर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हार्डवेयर कंट्रोल करना है करेंगे। प्रोवाइड इंटरफेस बिल्कुल। टेक सिस्टम यूजर फ्रेंडली बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑफ दीज बिल्कुल राइट आंसर है। सियाण हो गए तुम तो, इंटेलिजेंट हो गए भाई, इंटेलिजेंट हो गए तुम, इंटेलिजेंट। प्राइमरी पर्पज ऑफ द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला मकसद के है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला मकसद के है। देखियो पहला मकसद के है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला मकसद के है। टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर का सही तरीका था प्रयोग करना। अलाउ पीपल टू यूज कंप्यूटर, टू यू कीप सिस्टम प्रोग्राम एम्प्लॉयड टू मेक कंप्यूटर इजियर टू यूज। तो विंडो आई थी इजियर टू यूज के लिए, टू मेक कंप्यूटर इजियर टू यूज, विंडो आई थी इजियर टू यूज, ठीक है ना। पहला प्राइमरी पर्पज विंडो का यू है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। एवरी कंप्यूटर हैज ए डैश, मैनी ऑल्सो हैव डैश। ले बढ़िया क्वेश्चन है, देखियो संभालिए इस क्वेश्चन है, बढ़िया वाला क्वेश्चन है। देखो संभालो सोचो और आंसर करो, देखो संभालो सोचो और आंसर करो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन सेट, एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम क्लाइंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम। हर कंप्यूटर में एक तो ज़रूर होता है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम तो होता नहीं भाई, दो तो कट गए। ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता है मतलब, और कईया मेन्यू का यू भी हुआ है, तो इंस्ट्रक्शन सेट तो सारे में हुआ भाई, यू भी कट गया, क्लाइंट नहीं होता, इंस्ट्रक्शन सेट सारे में हुआ है। तो बेस्ट सुटेबल आंसर बन गया, इंस्ट्रक्शन सेट की कोई बात को नहीं हो रही, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो ही चीज़ हुआ है। पाँचवा इज राइट आंसर, अरे पाँचवा इज राइट आंसर कौन ही सही, पाँचवा इज राइट आंसर यानी कि फिफ्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, यूजर इंटरफेस है, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन है, रिसोर्स एलोकेशन है, या ऑल ऑफ दीज के है भाई। सीईटी की तैयारी कौन कौन लग गया तार मत करना भाई, सीईटी की तैयारी कर लियो, मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है जून में पेपर होगा। अरीबे मौका का फायदा उठा लोगे, मतलब अगर जल्दी तो तैयारी कर लोगे, बखत तो तैयारी कर लोगे, हरियाणवी में कह रहे बखत विचार जो, बखत विचार जो, और जिसने जो सा सब्जेक्ट भी जिसका कमज़ोर है नहीं उसने जमा पी जो दर का है, ठीक है ना। किताब आ जाएगी जल्दी आ जाएगी किताब भाई, आज लेसन पूरे हो गए हैं किताब के, उसमें एमसीक्यू रह गए अंग्रेजी में, ठीक है नहीं। तो जून खेतर कमर कस लो, कमर के टांग बांह सारी चीज़ कस लो, सिर पे बैठ लो पट्टी पुट्टी जब बंदी हो, और जून खेतर तैयार हो जाओ लड़न बिड़न खेतर, ठीक है नहीं। कम क्लियर है बात है। एचएसएससी की टीचर हो या सीबीटी दोनों की, क्या चीज़ सीईटी, अच्छा सीईटी सीबीटी नहीं सीईटी, हाँ हाँ सारे खतर हेल्पफुल है भाई। राहुल शर्मा हरदीनिया जो भी है सभी के लिए बेनिफिशियल है ये, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए भाई, इसने इसमें ऑल ऑफ दीज आवागा, इसमें क्या आवागा ऑल ऑफ दीज राइट आंसर आवागा। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में हो उसने क्या कह रहे हैं। गुरुजी मैं तो पीजीटी की फाइनल लिस्ट में रह गई थी, अब सीटी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं बुगे, तो एक काम करिए पहला सीटी पढ़ ले, पीजीटी दोबारा फिर आवागा, कोई बात नहीं। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, फ्रॉम वेयर एवर यू जस्ट बिलोंग टू, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू बिलोंग टू, एंड दीज क्लासेज आर हेल्पफुल फॉर एवरी एग्ज़ाम,
वट एवर इट इज़ एग्ज़ाम फॉर UPSC, UPPSC, SSC एंड बैंकिंग एंड पंजाब पुलिस एंड हरियाणा पुलिस एंड राजस्थान पुलिस एंड हिमाचल पुलिस एंड वट एवर द एग्ज़ाम दीज क्लासेज आर सो हेल्पफुल. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज प्रोग्राम, प्रोसेस कहलाएगा भाई. संदीप राव कह रहे हैं जी मन्ने कंप्यूटर का मास्टर बनना है, बातें क्या करूं, बताएं क्या करूं. कंप्यूटर का मास्टर बनना क्या करूं, पढ़ना पड़ेगा भाई घना सारा. मास्टर तो बिल्कुल मैं भी नहीं बने मेरे यार, पहला मनना तो बन दें एक बार भाई. देखो मास्टर बनना है तो मास्टर बनना मतलब न्यू कहने का नाम मास्टर नहीं भाई, अगर खड़े होकर पढ़ाना वो मास्टर नहीं, कहने का मतलब मास्टर बनना है जे घनी सारी किताब पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी किताब पढ़नी पड़ेंगी भाई. थाना प्रोसेस इज राइट आंसर, इसका राइट आंसर प्रोसेस है भाई, बातें बढ़ गए थे अपना, इसका राइट आंसर प्रोसेस है. अगला क्वेश्चन ले लो, अगला क्वेश्चन है थैंक यू सो मच, अगला क्वेश्चन अपना थैंक यू सो मच है भाई, ठीक है नहीं. अक्खर इंग्लिश मार दीजिए, इंग्लिश कर धीरे. वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर पूछा है भाई, यू नोगा करे वन XEDC 6600 है भाई, है तो देख हीरा कोहली, है तो है देख करेवन, लेकिन CDC 6600 कई बार मान लिया जाता है भाई, ठीक है ना. CDC 6600 भी कई बार मान लिया जाता है, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो CDC 6600 पर टिक कर दो भाई, और जे दोनों ना हो फिर अपना एक एक पर टिक कर दो भाई. हाँ हैप्पी वुमन डे भाई, सारे ने वुमन डे की बधाई हो भाई. सारे ने मतलब जो डिज़ायरेबल कैंडिडेट हैं फॉर द विशेज, डिज़ायरेबल कैंडिडेट फॉर द विशेज, आई वांट टू विश यू वेरी हैप्पी वुमन डे. फैंटेस्टिक, यू आर राइटिंग फैंटेस्टिक एंड जस्ट आई एम गोइंग टू रीड इट लिपस्टिक. ओ माय गॉड, कंप्यूटर अनुदेशक की बुक बताओ सर. प्रकाश चौधरी, कंप्यूटर अनुदेशक की दो बुक मेरे पास हैं, लेकिन दोनों में से कुछ खास कंटेंट मेरे को नहीं मिला, मैं कल आपको जो है टेलीग्राम चैनल में इन्फॉर्म करने वाला हूँ इस बारे में, ठीक है ना. हाँ भाई बिल्कुल आ जाएगी बिल्कुल. ओके थैंक यू सो मच एवरीवन, ओके टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट. जी जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच.